जो थर्ड रूम में एक्सेस करना तो सिर्फ टंबल करूंगा मैं इस तरीके से सिंगल क्लिक। यहाँ पर लेग रूम भी देखेंगे तो अच्छा खासा लेग रूम है मेरे पास, ऐसा नहीं है कि मुझे पैर ऊपर उठाने पड़े। सेकंड रूम में भी यहाँ पर आप देखेंगे, एक बार दिखा दीजिए आगे आगे, एसी के कंट्रोल। सबसे अच्छी चीज ऊपर की तरफ डैश कैम दिया गया और मीटर में क्या है जी, मीटर है जी ये। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल निकोडियंस में और आज हमारे साथ है किया केयरेंस का ग्रेविटी एडिशन, जिसे किया ने अभी लॉन्च किया है हाल ही में। और इस वाले वेरिएंट के अंदर आपको इतने कमाल के फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, इतनी कमाल की लग्जरी मिल जाती है और बहुत ही कम प्राइस पॉइंट पर मिल जाते हैं। कुछ पार्ट्स पर कॉस्ट कटिंग की गई है, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे इस आपको वेरियंट में एलॉय व्हील्स नहीं मिलते हैं, यहाँ पर आपको रिम दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर देखेंगे साइड मिरर्स पर आपको इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिल जाती है। बाकी इंटीरियर में अभी आपको दिखाऊंगा इंफोटेनमेंट सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम, बाकी स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, सभी चीज़ें आपको इस वाले वेरिएंट के अंदर फुलफिल देखने के लिए मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि ये किया केयरेंस का 7 सीटर वेरिएंट है, और जो अभी तक मैंने जितनी भी मतलब 7 सीटर कार्स देखी हैं इस सेगमेंट में, तो इस वाली कार में मुझे थर्ड रो में सबसे ज़्यादा शानदार स्पेस मिला। क्योंकि जैसे कि अगर कोई भी अगर आप 7 सीटर कार लेते हैं तो उसकी थर्ड रो में ये प्रॉब्लम होती है कि स्पेस अच्छा नहीं मिलता, लेकिन ये मुझे कार ऐसी लगी कि मेरी हाइट अराउंड 6 फीट है, 6 फीट से 1-2 इंच कम होगी, लेकिन उसके बाद भी मुझे थर्ड रो में इतना कमाल का स्पेस देखने के लिए मिलता, वो मैं आपको अभी वीडियो में आगे दिखाऊंगा अभी। तो बाकी इस कार की बात करें प्राइस की, तो 12,09,000 रुपये इस कार की एक्सोरूम प्राइस कॉस्ट करती है इस वाले वेरियंट की, क्या कह रहे हैं इसका ग्रेविटी एडिशन है। और बाकी क्या कुछ इसके अंदर आपको मिलता है, एक्सटीरियर, इंटीरियर, स्पेसिफिकेशन, क्या इंजन ऑप्शन है, 3 इंजन ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, टर्बो, नेचुरल एस्पिरेटेड और डीजल, तीनों ही इंजन ऑप्शन किया केयरेंस में आपको मिलते हैं। लेकिन इसके अंदर हमें नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसमें अच्छी खासी पावर मिलती है, पावर की कोई भी कमी नहीं होती है क्योंकि 1.5 लीटर का है। बाकी आज की वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, सारी डिटेल आपके साथ में इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कार की फ्रंट प्रोफाइल से, तो ये कुछ फ्रंट प्रोफाइल रहने वाली है। और सबसे पहले हेडलैम्प्स के सेटअप की बात करूँ मैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे पूरी तरीके से पियानो ब्लैक फिनिश का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, थोड़ी सी सिल्वर फिनिश यहाँ पर मिल जाती है। और ये पार्ट क्या है आप कहेंगे, ये इसके DRLs हैं, लेकिन ये DRLs नहीं है, लगते DRL जैसे हैं, लुकिंग भी DRL जैसी देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये इसके रिफ्लेक्टर्स हैं। बाकी यहाँ पर आपको हेलोजन इंडिकेटर, हेलोजन हेडलैम्प का सेटअप मिलेगा। तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी कॉस्ट कटिंग की गई, जिन पार्ट्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। LEDs से कुछ भी ऐसा नहीं है कि पब्लिक को LEDs ही चाहिए, हेलोजन में कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये छोटी मोटी चीज़ें ऐसा है कि आफ्टर मार्केट आदमी लगवा लेता है, कोई भी परेशानी नहीं है। बाकी फ्रंट प्रोफाइल में देखेंगे तो पूरी तरीके से फ्रंट प्रोफाइल किया केयरेंस की ऐसी ही लगती है जिस तरीके से कोई इलेक्ट्रिक कार हो। नीचे की तरफ यहाँ अच्छी फिनिश आपको देखने के लिए मिलेगी, यहाँ हनीकॉम टाइप का डिज़ाइन दिया गया है। तो ग्रिल फ्रंट प्रोफाइल ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, कोई भी फ्रंट में आपको पार्किंग कैमरा या फिर पार्किंग सेंसर तो इस वेरियंट में आपको नहीं मिलेंगे, कोई भी कार मेकर नहीं दे सकता है। बाकी यहाँ पर देखेंगे बोनट इस तरीके का। और बात करें साइड प्रोफाइल की, तो ये कुछ रहने वाली ओवरऑल कार की साइड प्रोफाइल। साइड मिरर्स पर ही आपको एक तो बॉडी कलर में मिलते हैं और यहीं पर मिल जाते हैं आपको इसके टर्न इंडिकेटर्स, और ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन मिरर्स तो आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलने वाले। और यहाँ पर लगे हुए एलॉय व्हील्स हैं, लेकिन यहाँ पर रिम दिए गए हैं व्हील कैप के साथ में। बात करें साइज़ की, 15 इंचज का यहाँ पर व्हील्स का साइज़ रहने वाला है और टायर साइज़ रहने वाला है 195/65 का। बाकी फ्रंट में तो आपको डिस्क ब्रेक दिए ही गए होंगे और रियर में अभी चेकआउट करेंगे। बाकी यहाँ पर दी गई है डोर पर इसके ग्रेविटी एडिशन की बैचिंग, जो कि मेट फिनिश में दी गई है, बहुत ही शानदार लुकिंग प्रोवाइड करी है। बाकी कलर भी ये वाला जो है इस वाले वेरिएंट का काफ़ी ज़्यादा शानदार है। और ए पिलर आपको बॉडी ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में मिलता है, यहाँ पर मेट फिनिश में मिल जाता है। बी पिलर यहाँ पर क्वार्टर ग्लास पैनल, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ का दिया गया है। ऊपर की तरफ इस वाले वेरियंट में शार्प फिन एंटीना मिल रहा है, तो यहीं पर इंटीग्रेटेड स्पॉइलर है रूफ में ही, हाई माउंट स्पॉट लैम्प। ऊपर की तरफ कोई भी वाइपर डिफोगर की प्लेसमेंट नहीं मिलती है, टेल लाइट कनेक्टिंग वाली है लेकिन अभी जल सिर्फ इतना ही पार्ट रहा है, हैलोजन में इंडिकेटर नहीं। हाँ जी, हैलोजन में ही दिए गए, बाकी रिवर्स के लिए लाइट है। किया केयरेंस की यहाँ पर बैचिंग मिल जाती है, सेंटर में किया का शानदार सा लोगो, ये सभी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। नीचे की तरफ देखेंगे तो ये पार्ट इस तरीके से रहने वाला है, रिफ्लेक्टर के साथ में रियर व्यू कैमरा भी दिया गया है, जिसकी प्लेसमेंट यहाँ नंबर प्लेट सेक्शन के ऊपर है, नंबर प्लेट के लिए हैलोजन में लाइट मिल जाती है। ये कहानी है इसकी रियर प्रोफाइल की। बाकी सबसे जो मेन बात है वो है इसका इंटीरियर, क्योंकि इंटीरियर में जो इसमें आपको फीचर्स मिलते हैं और जो इसका इंटीरियर है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का था, उसकी तरफ बढ़ते हैं एक बार और देखते हैं इंटीरियर में हमें ऐसा क्या कुछ दिया गया है। तो अब आ जाते हैं कार के इंटीरियर में, और इंटीरियर में सबसे पहले डोर की ओपनिंग देख लीजिए और डोर पर मटेरियल देख लीजिए किस तरीके का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर पूरे आपको सॉफ्ट टच ही देखने के लिए मिलने वाला है इसमें पूरी तरीके से। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो साइड मिरर्स पर भी आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट यहाँ पर मिल जाती है इस तरीके से, और यहाँ पर आपको चारों विंडो के लिए ऑटो अप डाउन के साथ में यहाँ पर ये आती हैं।
बाकी लॉक अनलॉक के लिए स्विच, ब्लैक फिनिश में यहाँ पर दिया गया है। म्यूजिक सिस्टम भी मिलता है आपको, बेसिक से इसका बेस वेरिएंट है, लेकिन उसके बाद में भी बाकी यहाँ पर प्रीमियम फिनिश आपको सिल्वर मिल जाती है, यहाँ पर भी सॉफ्ट टच है। और बात करें कार के इंटीरियर की तो वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, देख सकते हैं। कोई कह देगा ये इसके सेकंड बेस वेरिएंट का इंटीरियर है, जिसमें सिर्फ आपको 12,09,000 रुपये में ये वाला इंटीरियर मिलने वाला है किया कैरेंस में। बात करें की तो की भी आप यहाँ पर देखेंगे तो इस तरीके की आपको शानदार सी की मिलने वाली है किया की बैचिंग के साथ में। फ़िलिप की यहाँ पर दी गई है और इसमें लॉक अनलॉक और बूट को ओपन करने के लिए भी स्विच मिल जाता है। बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम सी पकड़ने में एक अलग फिनिश आती है इस की में। बाकी मैनुअल इस तरीके से आप यहाँ पर इसे लगा देंगे और बाकी देख लेते हैं कंट्रोल्स क्या कुछ हैं। आइडियल स्टार्ट स्टॉप के लिए स्विच, ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट की लेबलिंग, शानदार फिनिश यहाँ पर 3-टोन में दिया गया है। इसका डैशबोर्ड देखेंगे, यहाँ पर ब्लू फिनिश है, यहाँ पर थोड़ी ब्लैक, सिल्वर और नीचे की तरफ थोड़ी सी वाइट सी कलर की यहाँ पर फिनिश आपको मिल जाती है। बाकी यहाँ पर ट्विटर्स हैं और ये भी फिनिश यार देखिए बहुत कमाल की फिनिश हर जगह आपको देखने के लिए मिलने वाली है। इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट सीट तो आपको नहीं मिलती है, लेकिन ये देखिए कि हाइट एडजस्टेबल सीट यहाँ पर दी गई है ड्राइवर के लिए, तो ये एक अच्छी चीज़ है और अच्छी फिनिश ही यहाँ पर इसकी सीट अपहोस्ट्री में इस्तेमाल की गई है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं दोनों। अब आ जाते हैं कार के इंटीरियर में, जिसका आप सभी को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। सबसे पहले जी देखिए इंटीरियर, ये कमाल का इंटीरियर है। स्टेयरिंग व्हील बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फिनिश में लेदर अपहोस्ट्री यहाँ पर इस्तेमाल की गई है। सॉफ्ट टच टाइप का थोड़ा सा मटेरियल आपको यहाँ पर लगेगा कि इस्तेमाल किया गया है। बाकी सीट को कर लेते हैं पूरा पीछे और क्या कुछ कंट्रोल्स हैं, तो यहाँ पर इसके मीटर से जुड़े सभी कंट्रोल्स मिल जाते हैं। और मीटर में क्या है जी, मीटर है जी ये देख लीजिए, डिजिटल मीटर है और किस तरीके से आपको स्पीड और RPM सभी चीज़ें डिजिटल शो करने वाला है। सारी डिटेल मिल जाती है यहाँ पर, ड्राइवर इन्फो जो कि यहाँ पर कंट्रोल्स दिए गए हैं इस तरीके से, ड्राइवर, ऑटो स्टॉप टाइम है ना जी, एक्यूमुलेटेड इन्फो, रिफ्यूलिंग, ड्राइवर इन्फो, तो यहाँ पर सभी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ये देख सकते हैं डोर्स, लाइट है ना, तो यार बहुत ही ज़्यादा कमाल का यहाँ पर इसका इंटीरियर दिया गया है और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा इसका इंटीरियर। और बहुत ही ज़्यादा मीटर भी देख रहे हो आप, कितना ज़्यादा प्रीमियम यहाँ पर दिया गया है और सारे कंट्रोल्स यहाँ पर इसके मिल जाते हैं। सेंटर में किया का लोगो है, किया की बैजिंग, अच्छी फिनिश यहाँ पर भी आपको मिलेगी। बाकी मोड सिलेक्ट करने हैं तो यहाँ से आप करेंगे और ये इसके हो रहे हैं, एक मिनट वॉल्यूम कर देते हैं इसकी ख़त्म। बाकी यहाँ पर कंट्रोल्स मिल जाते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम से जुड़े, इतना कुछ बड़े साइज़ का इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिलता है। ग्लोसी फिनिश यहाँ पर इस्तेमाल की गई है, सारे बटन यहाँ पर ये टच में दिए गए हैं, मीडिया, ट्रैक, रेडियो, सीक, सेटअप, और ये ट्यूनिंग के लिए यहाँ पर एक नॉब मिल जाती है, ये वॉल्यूम के लिए एक नॉब मिल जाती है ना इस तरीके से। बाकी यहाँ पर एक हज़ार्ड के लिए स्विच मिल जाता है। नीचे की तरफ कंट्रोल्स दिए गए हैं AC के, और लाइट ऑन करके दिखाऊँ, ये देखिए AC के कंट्रोल कितने प्यारे भाई, बहुत प्यारे तरीके से दिए गए हैं, कहाँ AC का फ्लो रखना है, टेम्परेचर क्या रखना है, क्लाइमेट कंट्रोल AC की तरह ही लग रहा है पूरा जिस तरीके से यहाँ पर दिया गया, हालांकि मैनुअल मिलता है। बाकी यहाँ पर कुछ कंट्रोल्स इसकी फ़ैन की स्पीड के लिए मिल जाते हैं इस तरीके से दिए गए हैं, है ना, और ये AC के ही कंट्रोल्स हैं बाकी कुछ। और नीचे की तरफ देखेंगे तो एक USB पोर्ट है, एक 12 वोल्ट का सॉकेट, कितनी अच्छी फिनिश, बहुत प्यारी जी, एक USB Type-C पोर्ट है। बाकी स्लोप डिपेंडेंट के लिए यहाँ पर दिया गया है डाउनहिल ब्रेक कंट्रोल, उसके लिए भी एक, यानी कि देख रहे हो ट्रैक्शन कंट्रोल, डाउनहिल ब्रेक कंट्रोल, ये सभी चीज़ें बहुत कमाल की मिली हैं। और यहाँ पर 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर स्पेस है, ट्रे टाइप की यहाँ पर दी गई है और मैनुअल हैंड ब्रेक मिलता है, आर्म रेस्ट, अंदर स्पेस है, अच्छा खासा स्पेस यहाँ पर दिया गया है, ट्रे सी मिल जाती है, 2 कप होल्डर यहाँ पर दिए गए हैं और पैसेंजर के लिए भी वहाँ कंट्रोल है। सबसे अच्छी चीज़ ऊपर की तरफ डैश कैम दिया गया है इस वेरिएंट से, ऐसा नहीं है एसेसरीज का पार्ट है, डैश कैम यहाँ पर मिल जाता है। और ऊपर की तरफ देखेंगे तो छोटे से साइज़ की सनरूफ भी यहाँ पर दी गई है, जिसके कंट्रोल मिल जाते हैं यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगी ये ओपन, तो सनरूफ भी आपको इस वेरिएंट में मिल जाती है, सेकंड बेस वेरिएंट में सनरूफ मिल रही है और क्या ही चाहिए। बाकी इंटीरियर के लिए लाइट यहाँ पर मिल जाती है जो कि अगेन LED में यहाँ पर दी गई हैं। तो ये पूरा कुछ ओवरऑल नज़ारा है इसके इंटीरियर का, ये देख सकते हैं क्या कुछ इंटीरियर है। और RVMs यहाँ पर ये आपको डे नाइट वाले मिलेंगे, लेकिन मैनुअल मिलने वाले हैं, ये इलेक्ट्रिकल आपको नहीं मिलते हैं, तो इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। बाकी पूरे कार देखेंगे तो आप कितने ज़्यादा कमाल का यहाँ पर इंटीरियर रहने वाला है, कितना कुछ आपको एक्स्ट्रा मिल जा रहा है, तो ये चीज़ें ज़्यादा मायने रखती हैं बजाय इसके कि आपको कितनी छोटे मोटे फीचर बढ़ा के और उसे टॉप एंड वेरियंट बना के
तो ऐसा कुछ नहीं है, बाकी यहाँ पर किया ने बहुत ही शानदार ये ग्रेविटी एडिशन निकाला, बहुत ही कमाल का यहाँ पर ये लग रहा है। अब चलते हैं एक बार इसकी सेकंड रो में। ग्लव बॉक्स में भी स्पेस देख लीजिए, काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है यहाँ पर भी। बोतल होल्डर वहाँ पर भी मिल जाते हैं, पैसेंजर के लिए सीट। सेकंड रो और थर्ड रो, सेवन सीटर वेरिएंट है इसका। और अब चलते हैं एक बार इसकी सेकंड रो में और उसके बाद चलते हैं इसकी थर्ड रो। तो अभी चलते हैं किया कैरेंस की सेकंड रो में और यहाँ पर देखते हैं कितना कुछ स्पेस है। सबसे पहले मैं आगे वाली सीट को एडजस्ट कर देता हूँ एक बार अपनी हाइट के हिसाब से। तो यहाँ पर देखेंगे काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, तो मैं इसे अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर देता हूँ थोड़ा सा पीछे। और अभी मेरी सीटिंग पोस्चर के हिसाब से ठीक है, बाकी पैसेंजर के लिए हाइट एडजस्टेबल सीट तो नहीं मिलती है, लेकिन ड्राइवर के लिए यहाँ पर हाइट एडजस्टेबल सीट भी इस वेरिएंट में दी गई। बाकी इंटीरियर आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा कमाल का यहाँ पर है। लेकिन अब चलते हैं सेकंड रो में, जो है इसकी मेन चीज़। सीट एडजस्ट कर दी मैंने अपने हिसाब से, अब आ गया मैं इसकी सेकंड रो में। अब यहाँ देख लीजिए, ये भी सीट हमें रिक्लाइन ऑप्शन के साथ में मिलती है। बाकी यहाँ ये बैठ गया जी मैं अपनी जगह पर, और ये देखिए कितना कुछ शानदार स्पेस यहाँ पर मिल रहा है, पॉकेट यहाँ पर मिल जाती है। सेकंड रो में भी यहाँ पर आप देखेंगे, एक बार दिखा दीजिए आगे आगे, एसी के कंट्रोल्स यहाँ पर दिए गए जो कि डायल के रूप में दिए गए। कितनी ज़्यादा शानदार फिनिश में यहाँ पर ये मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ दिए गए यहाँ पर एसी वेंट्स, ये देख सकते हैं। तो सेकंड रो में भी एसी है और थर्ड रो में भी एसी है, यहीं पर कंट्रोल्स मिल जाते हैं। और इसकी फ़ैन की स्पीड के लिए यहाँ पर डायल दिया गया है। बाकी नीचे की तरफ दो आपको टाइप सी पोर्ट्स भी यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा प्रीमियम यहाँ पर ये सब चीज़ें मिलती हैं। बाकी एक आर्म रेस्ट यहाँ पर मिल जाता है, कोई भी कप होल्डर्स तो नहीं है, फोल्डेबल है, इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। दो एडजस्टेबल हेड रेस्ट यहाँ पर दिए गए हैं। ऊपर की तरफ आपको सेकंड रो में भी लाइटिंग का सेटअप मिल जाता है जो कि एलईडी में दी गई है। बाकी स्पेस चेकआउट कीजिए, कमाल का यहाँ पर रहने वाला है। और सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ में ऊपर की तरफ ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर सनशेड्स जो कि मैनुअल आपको मिलने वाली हैं इस तरीके से, लेकिन दी गई हैं, ये अच्छी चीज़ है। बाकी अब चलते हैं एक बार इसकी थर्ड रो में। तो यहाँ पर अच्छा खासा स्पेस आपने देख लिया, बाकी इससे मुझे थर्ड रो में एक्सेस करना है तो सिर्फ टम्बल करूँगा मैं इस तरीके से सिंगल क्लिक। और ये सीट इस तरीके से हो जाती है फोल्ड, यहाँ पर सीट हो गई एक तरीके से इलेक्ट्रिकली आप कह सकते हैं कि ये फोल्ड हो रही है, इतने ज़्यादा मैनुअल मुझे जोर नहीं लगाने पड़ते हैं। बाकी अब मैं आ जाता हूँ इसकी थर्ड रो में। तो ये अभी मैं बैठ गया थर्ड रो में, एक्सेस हो गया हूँ आराम से। और बाकी सीट को फोल्ड कर देते हैं अब एक बार, ये हो गई जी सीट फोल्ड। और अब आप देख सकते हैं, पूरा दिख रहा हूँ ना, अब आप देख सकते हैं कि मैं कितना ज़्यादा रिलैक्स यहाँ पर बैठा हूँ। और थर्ड रो में क्या मिल रहा है मुझे, एडजस्टेबल सबसे पहले हेडरेस्ट मिल जा रहे हैं, तो मेरे हेड की पोजीशन और मेरी जो है बैक की पोजीशन बहुत ज़्यादा ठीक है, अच्छी बैक सपोर्ट है। रिक्लाइन ऐसा नहीं है कि सीट क्या होता है थर्ड रो में कि कुछ इस तरीके की पोजीशन में होती है काफ़ी ज़्यादा खड़ी, लेकिन यहाँ पर रिक्लाइन एंगल ठीक है काफ़ी ज़्यादा, तो मेरी बैक को भी अच्छा खासा आराम यहाँ पर मिल रहा है। बाकी लेग रूम देखेंगे एक बार, इधर से दिखाओ, यहाँ पर लेग रूम भी देखेंगे तो अच्छा खासा लेग रूम है मेरे पास। ऐसा नहीं है कि मुझे पैर ऊपर उठाने पड़ रहे, थोड़ा सा ये जरूर कह सकते हो कि अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम है, लेकिन भाई मेरे को इतना पता है कि मैं इस कार के अंदर लॉन्ग ड्राइव पर भी जा सकता हूँ, इतना अच्छा मुझे स्पेस इस कार के अंदर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कप होल्डर्स भी दिए गए हैं और टाइप सी के पोर्ट्स मिल जाते हैं, अच्छा खासा स्पेस थर्ड रो में भी मिल रहा है, इतना अच्छा स्पेस मेरे को इर्टिगा के अंदर भी नहीं लगा था, तो काफ़ी मुझे काफ़ी वैल्यू फॉर मनी और अच्छा स्पेस मुझे लगा। क्योंकि थर्ड रो में अक्सर क्या होता है, सेवन सीटर में थर्ड रो में स्पेस नहीं मिलता, लेकिन इसमें थर्ड रो में स्पेस भी मिल रहा है, फीचर भी मिल रहे हैं, क्योंकि थर्ड रो में भी ऊपर की तरफ एसी वेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं और आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं, टाइप सी पोर्ट्स दिए गए हैं, अच्छा स्पेस मिल रहा है, सिर्फ बच्चे ही नहीं 6 फुट का आदमी भी बैठ के पीछे जा सकता है। बाकी बाहर निकलना इस तरीके से सिंगल प्रेस करो, सीट टम्बल हो गई, बाहर निकल जाओ आराम से। तो ये आ गए बाहर। तो इतना कुछ स्पेस इसके किया कैरेंस के अंदर मिलता है, जो कि मुझे इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा शानदार लगा। बात करें इंजन की, 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर इंजन इस कार के अंदर इस्तेमाल किया गया, जो कि देता है हमें अराउंड 113 BHP की पावर और 144 Nm का टॉर्क आपको अराउंड मिल जाता है इस कार के साथ में। एक बार ओपन कर लेते हैं हुड को और चेक करा देते हैं आपको इंजन को भी।